अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसे फार्मास्यूटिक के लोग और आज मैं आपको ऐसी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा इन 70 और यूनाइटेड 100 में। तो आप पूरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने ये 70 का पैनल लेना, उसके आगे आपने ये चार पाई का कोई भी पाइप ले कर उसके साइज़ के मुताबिक जो आपने सिलेंसर लिया है वो आपने वेल्ड करवाना और इसको ऐसे गर्म करके इसके साथ लगाना और इसका भी टाइट नहीं करना ये सिलेंसर बैंड को। एक मैंने वेल्ड करवा लिया, गैस वेल्डिंग होता है। ये सिलेंसर है मेन और इसके ऊपर ये पाइप है, ये 70 का बैंड है। कि ये पतला आता है और वो सिलेंसर मोटा आता है, इसके लिए हमने ये पाइप लिया है। आप कोई भी चार पाई का पाइप लेके उसका एक साइड सिलेंसर की तरह से वेल्ड करवाएंगे और दूसरा बैंड की तरह से वेल्ड करवाएंगे। ये ऐसे प्रोजेक्ट का सिलेंसर है और इसका लगाने के लिए हमने ब्रेक के में से गुजारना और यहाँ पर हेड के नीचे ये सेंसर लगाता है, उधर ये लगा के तो पेच लगे होते हैं वो आपने लगा देना है। 8 नंबर या 10 नंबर की टी रॉड की मदद से आपने इसको टाइट कर लेना है। तो मैं यूनाइटेड 100 को लगा रहा हूँ, तो यूनाइटेड 100 के लिए थोड़ा सा आपने ये बैंड को गर्म करके टेढ़ा कर लेना तो उसकी सूरत में ही आ जाएगा, नहीं तो आप 70 के लिए ये उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने बैंड लेना है और साथ कोई भी पाइप चार पाई का लगा कर जो साथ वेल्ड कर देना, करवा लेना सॉरी। अब हम इसको टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लेंगे नट को। गोटी शर्ट है